गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आजकल मैं बहुत सारी कुकिंग वीडियोस कर रही हूँ और आपको बहुत बहुत अच्छी लग रही है। सो टुडे आई एम हियर विद अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो जो बहुत बहुत इजी है। एंड आई नो कि हम लोग बहुत डिजर्ट को क्रेव कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, इट्स ए इजी डिजर्ट रेसिपी, आपने कहीं नहीं देखी होगी। इट्स वेरी वेरी इजी, वी नीड वेरी फ्यू थिंग्स और वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं। So yes, I hope you guys are loving my cooking videos, and in case you haven't watched them, I will give you the links of those two videos in my description box below. Definitely go and check it. If you want to know how I make this cake at home, all you need is keep watching this video. So let me show you what all do we need for this. All you need are these some biscuits. तो आप ओरियो बिस्किट ले सकते हैं, आप हाइड एंड सीक बिस्किट ले सकते हैं, आप बॉनबॉन बिस्किट ले सकते हैं। तो बेसिकली जिनका जो बिस्किट है वो चॉकलेट फ्लेवर में हो, आप वो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। एंड देन यू नीड सम चॉकलेट्स एंड सम मिल्क, दैट्स इट, एंड योर केक विल बी रेडी इन लिटरली जस्ट 3 मिनट्स। इट्स दैट ईजी एंड नाइस। एंड नाउ let's see how do we have to make it. So all you have to do is ki pehle aapko you have to do is basically aapko ye cream jo hai iska nikal lena hai aur ye sab biscuit ko alag se rakh dena hai. नाउ जो हमारी ये बिस्किट्स है वो हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो द पाउडर विल लुक लाइक दिस। God, this smells so good. Now the next step. So for that we'll take this cream जो हमने वो बिस्किट से निकाली थी, and इस पर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। अब मैं इसे for like 5 seconds microwave करके लेके आती हूँ। So after microwaving it, कि हल्का सा इसे मेल्ट हो जाना चाहिए। इफ़ यू गाइस कैन सी लाइक ईजिली मेल्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा। तो इट कैन टेक 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और मे बी 15 एंड नॉट मोर देन दैट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। सो दैट्स माई मिल्क। और आपको एक बार में ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड करना, आप थोड़ा सा करूँ एंड देन जस्ट मिक्स इट वेल। Also, this smells so good. Okay, last step, just the last step now. So, what will I do is I'll take this powder. ये जितना भी मेरे पास है इसके अंदर, अपनी ये चॉकलेट बनाई थी वो भी हम इसमें completely add कर देंगे। एंड वील ऑल्सो एड सम मोर मिल्क। तो मैं इसी में ले रही हूँ मिल्क, ताकि जो लेफ्ट वो चॉकलेट है वो भी आ जाए। देन यू जस्ट मिक्स इट वेल, बिकॉज इफ यू कैन सी ये ठीक से मिक्स नहीं हो रहा है। सो इट शुड नॉट बी वेरी लिक्विडी, बट ये इतना थिक भी नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट एड लिटिल मोर मिल्क। So let me just show you. It should be this thick, like, yeah. So not बहुत ज़्यादा thick नहीं रखना है, बस इतना, और बहुत ज़्यादा liquidy भी नहीं रखना है इसे। तो अब मैं अपनी इस yummy से cake को अपने mold में डालूँगी। एंड नाउ हम इसे माइक्रोवेव करेंगे फॉर एग्जैक्टली 1 मिनट, और उससे ज़्यादा नहीं। क्या जब आप भी ऐसे माइक्रोवेव कुछ हो रहा होता तो आप ऐसे करके देखते रहते हैं, बिकॉज मेरी आदत है जब तक वो बनेगा नहीं मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ।
माय गॉड. सो यमी 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 केक इज रेडी. इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट करता है. सो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कितनी सिंपल रेसिपी है. लाइक मुझे और शुभा को जब भी कुछ यू नो मीठा खाने का मन करता है तो हम आजकल यही खाते हैं. बहुत ईजी है बनाना. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके लिए आपको सिर्फ ओरियो के बिस्किट्स नहीं, आप कोई भी बेसिकली चॉकलेट बिस्किट्स यूज कर सकते हैं. एंड पहले आप लोग खाओगे. वेरी वेरी यमी गाइस, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी. सुपर इजी है, बहुत यमी है. एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैं और क्या क्या वीडियोस बनाऊं. बाय बाय.